दिल्ली कूच को लेकर के गृह मंत्री से चर्चा हुई है, ये सीएम ने कहा है। हरियाणा में शांति बनाए रखने के मुद्दे पर चर्चा हुई है, किस प्रकार से शांति व्यवस्था कायम रहे इसको लेकर के चर्चा हुई है। सीएम मनोहर लाल ने कल गृह मंत्री से मुलाकात की, उसके बाद में वो बिप्लव देव से भी मिले। उसकी तस्वीर बिप्लव देव ने बाकायदा ट्विटर यानी कि एक्स पर शेयर की थी, जिसमें किताब देते हुए नजर आ रहे थे, दूसरी तरफ में वो बातचीत करते हुए दिख रहे थे। अब उनका जो दिल्ली दौरा है बेहद महत्वपूर्ण इसी लिहाज से है, दिल्ली कूच को लेकर के गृह मंत्री से भी उन्होंने चर्चा की, उससे पहले वो गृह मंत्री से मिले। हरियाणा के सीएम मुख्यमंत्री मनोहर लाल गृहमंत्री अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे थे। हरियाणा में शांति व्यवस्था कैसे कायम रहे इस पर विचार किया गया है और दिल्ली कूच का यह मामला है। दिल्ली कूच को लेकर के गृहमंत्री से मिले थे सीएम मनोहर लाल, उनसे चर्चा हुई, शांति व्यवस्था रखने के मुद्दे पर यह चर्चा हुई है। विशेष मुलाकात उनकी रही, गृहमंत्री से मुलाकात सीएम मनोहर लाल की खटरगी रही है। किसानों का कहना है कि अगर हमारी बातों को मान लिया जाएगा तो हम इस तरह का हमें ये जो कदम है उठाना नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारी बातों को माना नहीं जा रहा है। अब दिल्ली कूच करने की वो बात कर रहे हैं और इसी को लेकर के शांति व्यवस्था कैसे कायम हो ये अभी सोच विचार का विषय बना हुआ है और इसीलिए चर्चा गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने तो देखिए इस वक्त ही बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, बता दें आपको कि दिल्ली कूच को लेकर के गृह मंत्री से चर्चा की है, सीएम मनोहर लाल खट्टर उनसे मिले हैं और उसके बाद में वो तस्वीर भी सामने आई थी जिस वक्त वो बिप्लव देव से भी मिले थे। ये चर्चा बेहद महत्वपूर्ण रही है क्योंकि किसान दिल्ली कूच की बात कर रहे हैं और अगर वो दिल्ली कूच करते हैं तो व्यवस्था कहीं डगमगा ना जाए, इसके लिए प्रशासन की तो जिम्मेदारी है ही, साथ ही साथ जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है सरकार की कि ये वहां पर शांति बनी रहे और इनपुट एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुजीत कुमार। सुजीत जी, किसानों के लिए दिल्ली कूच का ये किसानों का दिल्ली कूच का जो मामला है ये अभी तक चर्चाओं का विषय बना हुआ है और इसी को लेकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गृहमंत्री अमित शाह से आज मुलाकात भी की है, वो वहां पहुंचे और बातचीत हुई है, उनकी चर्चा हुई है। बिल्कुल, ये मुलाकात कल देर रात जो है सीएम मनोहर लाल ने की थी गृहमंत्री से और जो किसानों का दिल्ली कूच है वो पंजाब से करीब माना जा रहा है कि 10,000 ट्रैक्टर जो है दिल्ली कूच के लिए तैयार हो रहे हैं और वहां पर किसान बड़े स्तर पर इसकी तैयारी कर रहे हैं वो अपनी मांगों को मनवाने के लिए। और अभी आपने देखा होगा कि दो दिन पहले जो है केंद्र सरकार के तीन मंत्रियों ने चंडीगढ़ में बात की थी, जो है किसान नेताओं के साथ बैठक की थी, उसमें पंजाब के सीएम भी थे, लेकिन कोई बात बन नहीं पाई और किसानों ने कहा कि सरकार या तो उनकी मांगे माने या तो उनके साथ वार्ता शुरू करे, तो नहीं तो वो दिल्ली कूच के लिए तैयार हैं। और किसानों को भी उन्होंने बोला है कि वो तैयार रहें और अभी आंदोलन रुकने वाला नहीं है। तो जो पंजाब के किसान तैयारी कर रहे हैं दिल्ली कूच की, उसमें माना जा रहा है कि 10,000 ट्रैक्टर वहां से तैयार हो रहे हैं, ट्रैक्टर ट्राली, और वो पंजाब से हरियाणा में तीन बॉर्डर लगते हैं, जो खनौरी बॉर्डर है, सिरसा में डबवाली के पास बॉर्डर है और एक ये अंबाला में शंभू बॉर्डर है। तो तीन बॉर्डर्स के जरिए किसानों की एंट्री होनी है हरियाणा में, तो हरियाणा सरकार और पुलिस प्रशासन अभी से ही उसमें लगा हुआ है। और आपने देखा होगा कि अभी धारा 144 अंबाला में लगा दी गई है, इसी तरह से खनौरी बॉर्डर और सिरसा बॉर्डर पर भी जो है सख्ती बरती जा रही है और पुलिस वहां पर बैरिकेडिंग्स का काम कर रही। तो उसी सब मसले को लेकर सीएम मनोहर लाल कल
देर रात गृह मंत्री से मिले थे और गृह मंत्री को उन्होंने पूरी रिपोर्ट दी है कि हरियाणा सरकार की क्या तैयारी है किसानों को बॉर्डर पर रोकने की और किस तरीके से किसान वहां से आने की तैयारी कर रहे हैं और हरियाणा में कैसे अमन और शांति बनी रहे, किसी तरह का किसानों के दिल्ली कूच के समय कोई अशांति न फैले, उन सब चीजों की तैयारी को लेकर सीएम ने गृह मंत्री से मुलाकात की है, उनके साथ चर्चा की है, उनको सारे हालात की जानकारी दी है। तो इसका मतलब साफ है कि ये किसानों के दिल्ली कूच को लेकर सरकार काफी गंभीर है और उसके पूरे हालात पर नजर रख रही है और किस तरह के हालात बनते दिख रहे हैं। अब देखना होगा कि जो सीएम से मुलाकात सीएम ने मुलाकात की है उस अमन शांति हरियाणा में बनी रहे, किसी तरह की अशांति ना हो। अब देखना होगा कि इसको लेकर आगे क्या कदम और उठाए जाते हैं। लेकिन किसानों का ये कहना है कि हमें जो है रोकने से काम नहीं चलेगा, जो हमारी मांगे हैं उनको आप मान लीजिए, सरकार हमें बहलाती है फुसलाती है लेकिन हमारी बातों को नहीं मानती है। हम अगर हमारी बातों को मान लिया जाए, हमारी मांगों को मान लिया जाए तो हमें ये स्टेप लेने की जरूरत ही ना पड़े। बिल्कुल, किसान वही बात कह रहे हैं। जब केंद्र सरकार के 3 मंत्री वहां पहुंचे थे तो उस समय उन्होंने यही कहा कि हमारे जो है जो मांगे हैं वो सरकार मांगे या फिर उसको मानने के लिए कुछ पहल करे, हमारे साथ वार्ता करे या हमारी मांगे माने, तभी हम रुकेंगे। क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि दिल्ली कूच को लेकर जिस हिसाब से पंजाब में किसानों की तैयारी चल रही है और हरियाणा में जिस तरीके से उनको बॉर्डर पर रोकने की तैयारी चल रही है, दोनों तरफ जो है गतिविधियां तेज हैं और पूरे हालात पर सरकार और प्रशासन की नजर है और देखना होगा कि अब किस तरह के हालात बनते हैं। क्योंकि आपने देखा था पिछली बार जब किसान आंदोलन हुआ था तो चाहे सिंघू बॉर्डर हो या गाजीपुर यूपी बॉर्डर हो और इस तरह से इधर झज्जर की तरफ जो है बहादुरगढ़ की तरफ जो बॉर्डर थे टिकरी बॉर्डर, तीनों बॉर्डर पर पंजाब के किसान और हरियाणा के किसान आकर जमा हुए थे और उससे कई महीने तक यहाँ आपने देखा होगा कि लोगों को किस तरीके से आवागमन में दिक्कतें हुई और किसान जो यहाँ जमे हुए थे उनको भी तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा था। बिल्कुल बिल्कुल, और वही तस्वीर दोबारा ना सामने आए इसके लिए पुलिस प्रशासन व्यवस्था बनाने में लगा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। और इसी विषय में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर क्या कुछ कह रहे हैं जरा वो भी आप लोगों को सुनवा देते हैं। मित्रों, मेरे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है, बड़ा मन में एक बहुत ही भावनापूर्वक मैं अपने विचार उत्पन्न कर रहा हूं कि आज यानी आदरणीय अडवाणी जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उप प्रधानमंत्री रहे, देश के होम मिनिस्टर रहे, यानी कब से भारतीय जनता पार्टी को बल्कि जनसंघ के समय से जनसंघ को लेकर के और बाद में भारतीय जनता पार्टी और यहां तक जैसे देश के सब कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के आगे बढ़ते रहे, एक उनको मिलने के बाद आनंद जो आता है आज मुझे आनंद की अनुभूति हुई। और जब उनको 3 तारीख को भारत रत्न का एक उनको सम्मान किया गया वो भी एक बहुत ही हमारे लिए प्रसन्नता का क्षण था। मेरे मन में कई दिनों से विचार चल रहा था कि मैं जब भी दिल्ली आऊंगा तो उनको जरूर मिलकर आऊंगा। आज मैंने उनका दर्शन किए, उनको सम्मानित किया और प्रभु से उनकी लंबी आयु की मैं कामना करता हूं। बहुत स्वस्थ मन से वो सारी बातचीत भी, थोड़ी बातचीत की ज्यादा नहीं, लेकिन उनके भाव जो मन में थे उनको एक संतोष का भाव था। और जो हरियाणा के बारे में मैं अपनी हरी बातें बताई, अभी हमने जो पुस्तक लॉन्च की पुस्तक की प्रति मैंने भेंट की, तो कुल मिलाकर के उन्होंने संतोष जाहिर किया है। देश के बड़ी हस्तियों में जो आडवाणी जी के साथ साथ जैसे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे राष्ट्रपति जी ने जिस प्रकार का विचार किया, उसमें से चाहे वो नुपुरी ठाकुर जी हों, चाहे चौधरी चरण सिंह जी हों, नरसिम्हा राव जी हों, चाहे स्वामीनाथन जी हों, हर एक विभूति की अपनी विशेषताएं उनको ध्यान में रखते हुए देश के प्रति उनका जो योगदान रहा है ठीक पहचान की गई और पहचान करने के बाद और उनको एक सम्मानित जो किया गया है, इसमें से एक बात तो स्पष्ट ध्यान में आती है कि ये सब चीजें किसी भी व्यक्ति के देश के प्रति जो योगदान होता है उसको
उसको एक प्रकार से पहचान करके और उसको सम्मानित करने का विषय है। इसमें राजनीति से ऊपर उठ करके और ये निर्णय किए गए हैं, मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं प्रधानमंत्री जी का भी, राष्ट्रपति जी का भी धन्यवाद करता हूँ ऐसी अच्छी हस्तियों को, ताकि नई आने वाली पीढ़ी को भी इससे प्रेरणा मिलती रहे कि देश में अच्छा काम करने से सम्मान जो है जरूर मिलता है। सरकार ने इतिहास रचा है, साल में 5 भारत रत्न दिए गए हैं। ये पहली बार हम देख रहे हैं कि एक ही वर्ष में क्या बल्कि एक महीने में 5 भारत रत्न ऐसी उपाधियां 5 ऐसे विशेष लोगों को दी गई है। तो इसके कारण से यहाँ की प्रतिभा उसको सम्मानित किया गया, पहचाना गया है। तो ये बहुत अच्छा काम किया है, आगे भी इस प्रकार से लगातार चलता रहेगा तो देश की जो पीढ़ी नई पीढ़ी है उसको प्रेरणा मिलती रहेगी। देखिए संसद में जो भी प्रस्ताव आता है उसको उसकी भावना को देख करके स्वाभाविक रूप से जो मेंबर पार्लियामेंट है वो उसमें अपना अपना विचार प्रकट करते हैं, और जिस प्रकार का एक धन्यवाद प्रस्ताव ही आया है जरूर उसका लाभ जो है वो सबको होगा। सर नड्डा जी का नाम चल रहा है हरियाणा से राज्यसभा के लिए, बात ये कि नड्डा जी का नाम चल रहा है या नहीं चल रहा है मुझे इतना पता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड जिस बात को तय करेगा वो होगा, और जब नड्डा जी का नाम होगा तो पार्लियामेंट्री बोर्ड को और इससे ज्यादा सोचनी होती नहीं पड़ेगी। कल कुछ और मुलाकातें हुई है सर आपकी दिल्ली दौरे पे, कुछ सर उसके बारे में बता रहे हैं। दिल्ली हरियाणा का लगभग केंद्र है, इसलिए हम तो हरियाणा के काम करने में भी दिल्ली आते रहते हैं, और जब यहाँ आते हैं तो स्वाभाविक है अपने नेताओं से आदरणियों से ही मिलते जुलते हैं, और उसमें से जो भी समसामयिक राजनीतिक बातें होती है उस पर विचार होता है, और जो परिस्थितियां जिस प्रकार की हैं खास करके अभी होम मिनिस्टर से मैं मिला हूं, तो कल हमने विचार में जो 13 तारीख को किसानों का एक दिल्ली कूच का जो एक प्रोग्राम बनाया है उसमें शांति बनी रहे, उसकी व्यवस्थाएं ठीक रहे, इस प्रकार की सारी बातें। तो कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं पीवी नरसिम्हा राव जैसे लोगों के नाम पर, यहाँ तक कि मायावती ने तो जाति आधार पर भी कहा है कि उससे दलितों के इस तरीके की राजनीति हो रही है या बयानबाजी आ रही है। देखिए प्रतिभाओं की जो खोज होती है तो प्रतिभा खोज में जातियां नहीं देखी जाती हैं, उनके काम देखे जाते हैं, व्यक्ति कोई भी हो किसी भी जाति का हो। इसलिए कभी भी मुझे नहीं लगता कि हमारे मोदी जी ने इस प्रकार के विचार के साथ कभी बंधे हों, उन्होंने कभी जाति पाति देखी नहीं है। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स ये तो बिल्कुल ही देश में कभी स्थापित होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल हानिकारक है। जो लोग कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को सोचते हैं वो अच्छा नहीं करते। तो इसी पूरे मामले को लेकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपनी बात को रख रहे थे, और बता दें आपको कि किसानों का दिल्ली कूच का यह मामला है जिसको लेकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। बीती रात ही मुलाकात हुई है, अहम मुलाकात ये रही है, इसमें चर्चा भी हुई है।